अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं महमूदिया ट्रैवल एंड टूर का यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल अपने चैनल में वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। हुकूमत का बड़ा फैसला, अंबरवाज लिस्ट का मंसूबा तर्क कर दिया। इसका ऐलान वज़ीर आज़म ने खुद किया है, अब क्या होगा? इस न्यूज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा अगर आप इस न्यूज़ को मुकम्मल रीड करना चाहते हैं तो। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हुकूमत ने ट्रैवल और अंबरवाज लिस्ट मुतारफ़ करवाने का मंसूबा तर्क कर दिया। वबा में सफ़र को सादा और मुतवादन रखना चाहते हैं बोरिस जॉनसन। हुकूमत ने ट्रैवल लिस्ट कैटेगरी अंबरवाज लिस्ट मुतारफ़ करवाने का मंसूबा तर्क कर दिया। अंबरवाज लिस्ट में ऐसे ममालिक को शामिल किया जाना था जिनके केसेस बढ़ने की सूरत में किसी भी वक्त रेड ट्रैवल लिस्ट में शामिल किया जा सकता था। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि वो वबा के दौरान सफ़र को सादा और मतवाजन तरीक़ेकार के तहत जारी रखना चाहते हैं। हुकूमत के मौजूदा मंसूबे पर ट्रैवल इंडस्ट्री के अलावा हुकूमत अरकान पार्लियामेंट ने भी तहफ़ात का इज़हार किया था और कहा था कि इससे लोगों के सफ़र के हवाले से हौसला शिकनी होगी। हुकूमत रवां हफ्ते जुमरात को ओवरसीज ट्रैवल के हवाले से ट्रैफिक लाइट सिस्टम पर नज़रसानी करेगी। मुसाफिरों को मुंतबा किया गया कि अगर अंबर लिस्ट में शामिल किसी मुल्क से केसेस बढ़े तो उस रेड लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, जिसके बाद वबा से सिर्फ बरतानवी शहरी ही बरतानिया आ सकेंगे और इन्हें यहाँ पर मेडिकल में करंटीना अख्तियार करना होगा। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना था कि इन्हें लोगों के बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश का एहसास है, लेकिन वो नए वेरिएंट को बरतानिया दाखिल होने से रोकना चाहते हैं। बोरिस जॉनसन का कहना था कि यूरोपीय ममालिक की नस्बत बरतानिया की सोसाइटी और इकानमी ज़्यादा ओपन है, तहाँ भी एहतियात का मुजाहरा करना होगा। एयर ट्रैवल इंडस्ट्री बॉडी एयरलाइंस पर यूके की चीफ एग्जीक्यूटिव टीम अल्डर सलेड ने कहा, यह कॉमन सेंस की फतह है कि इन्होंने हुकूमत से मजीद ममालिक के ग्रीन लिस्ट में शामिल करने का मुतालबा भी किया। लेबर पार्टी ने अपने रद्दअमल में कहा कि वाज लिस्ट के मंसूबे को ख़त्म करने से ज़ाहिर होता है कि जो टूरिस्ट सरहदी पॉलिसियों के हवाले से इंतशार का शिकार हैं। शेडो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी जेम मैकोहम ने कहा कि हुकूमत इस फैसले के ज़मन में डेटा शाया करे। दोस्तों ये थी न्यूज़। मज़ीद न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कल 5 अगस्त है, देखना ये है कि 5 अगस्त को क्या फ़ैसला आता है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक इतना ही, दुआ में याद रखिए। अल्लाह।